हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो इसमें आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप पार्टी या वाइज प्रोडक्ट्स पर प्राइस लिस्ट कैसे अप्लाई या अपडेट कर सकते हैं जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू से रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स से पार्टी स्पेशल पर आएंगे देन पार्टी प्राइस लिस्ट पर आएंगे यहाँ आपको थ्री ऑप्शन शो होंगे दैट इज ऑल आइटम्स सिलेक्टेड कंपनी और आइटम एंड सिलेक्टेड सॉल्ट तो अगर आप सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड सभी आइटम्स पर पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल आइटम्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की आइटम के लिए प्राइस लिस्ट अपडेट करना चाहते होंगे तो आप सिलेक्टेड कंपनी और आइटम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सिमिलरली अगर आप किसी सिलेक्टेड सॉल्ट की आइटम्स में प्राइस लिस्ट अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्टेड सॉल्ट ऑप्शन पर स्विच करेंगे तो सपोज हम अभी ऑल आइटम्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देन लेजर्स विंडो ओपन होगी यहां से आप अपनी जिस पार्टी या कस्टमर की प्राइस लिस्ट को अपडेट करना चाहते होंगे उस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑल आइटम्स लिस्ट ओपन हो जाएगी अब अगर आपको किसी सिंगल आइटम में प्राइस अपडेट करना है तो आप उस पर्टिकुलर आइटम पर कर्सर लाएंगे और एंटर करेंगे तो कर्सर नेट रेट कॉलम में स्विच करेगा अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेट रेट मेंशन करेंगे और अगर कोई डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते होंगे पर्टिकुलर आइटम पर तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट फील्ड के बाद एंटर करेंगे तो करसर यहाँ नीचे दिए ऑप्शन पर स्विच करेंगे आप चाहें तो सिलेक्टेड आइटम को बैन कर सकते हैं यहाँ दिए इस बैन ऑप्शन को यस yes कर देंगे तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर आइटम आपको इस पार्टी या कस्टमर की बिलिंग के टाइम बिलिंग विंडो पर सिलेक्ट नहीं करने देगा और एक अलर्ट डिस्प्ले कर देगा That is, billing ban for this item. Similarly, अगर आप कोई डील जैसे की टेन प्लस वन टेन प्लस टू एट्रा अप्लाई करना चाहते होंगे तो वो आप सिलेक्टेड आइटम पर कर सकते हैं और आप यही से आइटम वाइज मिनिमम मार्जिन परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर आइटम के लिए डिस्काउंट भी बैन कर सकते हैं इस तरह से तो आप वन बाई वन लिस्ट में शो हो रही आइटम्स पर प्राइस अपडेट कर सकते हैं और अगर आपको मल्टीपल आइटम्स में प्राइस अपडेट करना है तो आप लिस्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के लिए विंडो पर एफ की प्रेस करेंगे देन सिलेक्ट ऑप्शन की ये पॉपअप विंडो ओपन होगी ड्रॉप डाउन से एक्सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे देन सेव एज फाइल की ये विंडो ओपन होगी जिसमें डिफॉल्ट पाथ मेंशन होगा जहां ये एक्सेल शीट एक्सपोर्ट होगी आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन या पाथ को चेंज कर सकते हैं उसके बाद एंटर करेंगे देन कंफर्म करने के लिए ओके OK बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से फाइल सिलेक्टेड लोकेशन पर सेव हो जाएंगी अब आप सिंपली लोकेशन पर जाकर एक्सेल शीट ओपन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट में चेंजेस कर लेंगे किसी आइटम को बैन करना चाहते होंगे तो बैन कॉलम में जाकर नो को येस कर सकते हैं अदर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं चेंजेस करने के बाद एक्सेल फाइल को सेव करेंगे और क्लोज करेंगे और फिर अगेन सेम लोकेशन पर आएंगे एफ की प्रेस करेंगे और ड्रॉप डाउन से इम्पोर्ट सिलेक्ट करेंगे देन डायरेक्टरी विंडो ओपन होगी जिस लोकेशन पर आपने एक्सेल फाइल अपडेट करके सेव की होगी वो पाथ से फाइल सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे देन सॉफ्टवेयर में इम्पोर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट होते ही एक्सेल फाइल सेव्ड सक्सेसफुली का ये अलर्ट मैसेज शो होगा ओके okay पर क्लिक करेंगे इस तरह से फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी और प्राइस लिस्ट अपडेट हो जाएंगी आइए अब एक सेल बिल जनरेट करते हैं और देखते हैं कि सिलेक्टेड पार्टी या कस्टमर के लेजर में अपडेट की गई प्राइस लिस्ट कैसे वर्क करती है। जिसके लिए सॉफ्टवेयर की मेन विंडो पर ऑल्ट के साथ एन की प्रेस करके सेल बिल विंडो पर आएंगे एंटर करेंगे और लेजर सिलेक्ट करेंगे एंटर करते हुए आइटम्स विंडो पर आएंगे और लिस्ट से उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे जिस पर प्राइस लिस्ट अपडेट की है क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं इस आइटम का रेट था वन हंड्रेड 10 प्लस 2 की स्कीम अप्लाई की थी तो सॉफ्टवेयर ने 10 क्वांटिटी फीड करते ही टू क्वांटिटी फ्री ऐड कर दी है और जो रेट हमने अपडेट किया था वो यहाँ शो कर दिया अब आप चाहें तो और आइटम्स भी बिल में ऐड कर सकते हैं नहीं तो सिंपली बिल को सेव कर लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क आर सॉफ्टवेयर में सिंगल एंड मल्टीपल आइटम्स पर पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट अप्लाई या अपडेट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग